फ्रेंड्स, कैसे हो आप? और आप अभी हम हैं बगोली के शिव मंदिर में, और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे भगवान शिव खुद प्रकट हुए हैं, और यहाँ पे जो शिवालिंग है वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई। और आप देख सकते हो यहाँ के व्यूज़ बहुत ही ग्रीनिश है, और बहुत ही शांति आनंद का अनुभव करते हुए। और आप ये देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये जो पहाड़ दी इसको बोलते हैं हाथी पहाड़, और ये बहुत ही अच्छा पहाड़ है। और मैं आपके लोकेशन दिखा सकती हूँ यहाँ पे, कि ये देखो काफ़ी हरे भरे पेड़ है यहाँ पे। और ये ऊपर मंदिर को आने के लिए रास्ता, या देखते हो पूरी ग्रीनिश है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नदी, और ये नदी गुजर रही है पिंडर नदी। पिंडर नदी जो जो चमोली से अलकनंदा आती है और कर्णप्रयाग में जब मिल जाती है, तो ये पिंडर नदी है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आती है, और आप ये देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरी नदी है। ये देख सकते हो आप कितनी साफ नदी है, और बहुत ही अच्छा रमणीय नज़ारा है एक। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है, और आप ये देख सकते हो बहुत ही उत्तम। और ये हमारा उत्तराखंड की ये वादियां हैं, और आप जरूर उत्तराखंड घूमिए, और बहुत ही अच्छा। और ये आपको दिखा सकती है मंदिर, बहुत शिव टेंपल बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये प्रतीक्षालय रूम है यहाँ पे, यहाँ पे ही हम लोग खाना बना रहे हैं आजकल, और हमने यहाँ पे स्टे किया है एक दिन के लिए। और आप ये देख सकते हो इतना खूबसूरत नज़ारा हमें कहीं नहीं मिल सकता है, और मैं यहाँ आके बहुत ही मंत्रमुग्ध अनुभव कर रही हूँ। और ये मेरे उत्तराखंड जो चमोली ज़िले के में बगोली एक जगह है, वहाँ का ये नज़ारा है। है शिव मंदिर बगोती का, और ये आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही शिवालय है, और बाबा जी यहाँ पे मंदिरों को धो रहे हैं। आगे है भैरवनाथ का मंदिर, और ये बहुत ही उत्तम रमणीय नज़ारा। और आप ये देख सकते हो कितनी ग्रीनिश है यहाँ पे, प्लांट कितने हरे भरे हैं। और ये शिव टेम्पल है, और ये है पीपल का पेड़। और ये बाबा जी मंदिर की सफाई करते हुए, और ये है शिव, ये भी शिव मंदिर है। और यहाँ पे मम्मी लोग सब बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हो कितनी हरियाली है यहाँ पे। पीपल का पेड़,